Good morning, dear students. Welcome back to our SAMT YouTube channel. Friends, आज हम हमारी जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडिंग स्नैपशॉट उसका तीसरा रीड रंगास मैरिज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं थर्ड यूनिट रंगास मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर. जैसे कि हमने देखा नाम में ही मस्ती है तो इस यूनिट में भी बहुत सारी मस्ती की बात की हुई है अबाउट रंगास मैरिज. और रंगा जो कि एक अकाउंट का सन है बाहर से पढ़ लिख के आया है और ऐसे गांव में आया है जिस गांव में एक लौटा ऐसा लड़का है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बेंगलोर से आया है. वो अच्छी तरह से इंग्लिश जानता है और जब वो राइटर के परिचय में आता है तो राइटर को लगता है कि इसका मैरिज करवाना चाहिए. लेकिन रंगा की जो सोच थी वो अबाउट मैरिज थोड़ी डिफरेंट थी तो इसलिए राइटर उनके मैरिज के लिए क्या दाव पेच करते हैं और उसमें से कितनी मस्ती आती है ये सब इन्होंने इस यूनिट के अंदर दी हुई है. आइए हम देखते हैं कि व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज व्हाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथन विजया वैलियस. आई नो आई कोड हैव यू सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याणा बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्टरी और गिरजा वेडिंग इट्स अबाउट आर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नॉट फैंसी टाइटल. देखो दोस्तों एक साउथ इंडियन स्टोरी है केरला के जहाँ के गॉड है रंगनाथन जगन्नाथ. ये सब ये जो नाम है ये भगवान के नाम है वहाँ के लॉर्ड के नाम है. तो वहाँ के लोग सोचते हो कि भाई जब ये अपने टाइटल दिया कि रंगास मैरिज उसकी जगह उन्होंने ऐसा क्यों टाइटल नहीं दिया कि रंगनाथ विवाह रंगनाथ विजया. तो राइटर यहाँ के देख भाई जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याणम ऐसा मैं नेम दे ही नहीं सकता क्योंकि स्टोरी उनके बारे में नहीं है कोई लॉर्ड के बारे में नहीं है ये हमारे रंगा के मैरिज के बारे में है. इसीलिए हमने ऐसा फैंसी नेम रखा है रंगास मैरिज ये दूसरा कोई नाम नहीं. तो आगे कहते हैं हुसाली इजार विलेज यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट नो व्हाट अ पिटी बट इट इज नॉट योर फॉल्ट देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक दोस साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. तो राइटर यहाँ थोड़े हमारे स्टोरी से डाइवर्ट हो जाते हैं जब उनकी गांव की बात आती है उनके विलेज की बात आती है तो अपने चाइल्डहुड मेमोरी में चले जाते हैं. बोलते हैं कि भाई हमारा गांव का नाम होसाली था एक छोटा सा गांव है लेकिन बहुत अच्छा है. शायद कि आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये कोई ज्योग्राफी बुक के अंदर बराबर ये गाँव का नाम कहीं पर है नहीं कोई मैप में नहीं है. शायद ये जब हमारी इंडिया की ज्योग्राफी बना रहे होंगे इंग्लिश साहिब लोग इंग्लैंड के तब उनको भी पता नहीं होगा कोई ऐसा कोई गांव है लेकिन हाँ हमारा गांव है क्या इसमें आपका कोई फॉल्ट ही नहीं और बहुत अच्छा है क्या. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट हमारे लोग भी भूल गए उसको मैप में डालने का क्या. यू नो हाउ इट इज दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप एक ऐसे लोग फ्लॉक ऑफ शिप जैसे हो. फ्लॉक ऑफ शिप आपने देखा होगा कि भाई कोई एक शिप होता है वो नीचा नम के वो चलता ही रहता है उसके पीछे सारे के सारे सिप चलते रहते हैं वो सोचते नहीं है तो ऐसे फ्लॉक ऑफ सिप. तो क्या हमारे लोग भी ऐसे थे कि इंग्लैंड वालों ने नहीं डाला तो इन्होंने भी नहीं डाला. वन सिप वॉक इन टू पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग जैसे कि मैंने बोला भाई कोई अगर सिप है गड्ढे में गिरता है तो पीछे दूसरे भी गिरते हैं सोचते नहीं है कि क्या होगा. तो ये सारे ऐसे है इसलिए कहावत बनी है फ्लॉक ऑफ सिप. वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आर Own geographers have not referred to it. You cannot expect the poor cartographer, जो मैप बनाते हैं, have not referred to it. To remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उनकी गलती नहीं है कार्टोग्राफर की भी नहीं है बल्कि जो जहाँ के सब लोग भूल ही गए हैं तो वो भी मैप में कहाँ से डालता क्योंकि भाई चाहे जिसकी भी गलती हो लेकिन हमारा गांव है और बहुत सुंदर है. यहाँ वो राइटर हमें बताना चाहते हैं उनके गांव के बारे में. सॉरी
आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। राइटर फिर से ट्रैक पे आते हुए, सॉरी गया, मैं बात कर रहा था रंगा के मैरिज की और यहाँ पे मैं दूसरे ट्रैक पे चला गया क्या। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा वॉट द स्वीट कारीगाड बू इज टू अ फेस्टिव मिल द होसाल इज टू मैसूर स्टेट वॉट द फीलिंग इज टू कारी गाड़ा बू। देखो राइटर ने अपने गांव का इम्पोर्टेंस बताना शुरू कर दिया कि कारीगाडू करके फेस्टिवल मिल आता है जो मैसूर में बहुत फेमस है और मैसूर पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ के ये स्वीट भी फेमस है। तो क्या जैसे ये फेमस है उसी तरह पूरे मैसूर में हमारा गांव फेमस है कारीगाडू की तरह, क्योंकि हमारा गांव भी मैसूर में इतना ही पॉपुलर है। वॉट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, और मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ क्या। फिर से वो ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते हैं अपने गाँव के बारे में बताने के। बिलीव मी आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इज बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोली ऑफ होसाली। वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, हिज नेम इज, नेम याद रखना, गुंडा भट्टा। ही एग्री विथ मी, ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। If anyone ask him whether he has been there, he say no Ananya, means के वहाँ के respected word है no Ananya। I have left that to you, running around like a flip Easter dog is not for me। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many। देखो तो यहाँ फिर से अपने गाँव के बारे में बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जो हमारे गाँव को beautiful मानते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा गाँव मानते हैं। ऐसे ही हमारे गाँव में एक डॉक्टर है क्या होसाली में, उनका नाम है गुंडा भट्टा, जो लोगों को बताया कि मैं पूरी दुनिया में घुमा हो गया और पूरी दुनिया में मैंने होसाली जैसा कोई प्लेस नहीं देखा, ये ऐसा मानते हैं क्या। और जब उन्हें कोई पूछता है कि आपने इंग्लैंड देखा, तो उनका आंसर देते हैं नो नॉट इंग्लैंड, अरे इंग्लैंड नहीं देखा क्या, लेकिन बाकी सारी प्लेसेस मैंने देखी है, लेकिन उन प्लेसेस में सबसे अच्छा गाँव हमारा है। तो इस तरह राइटर फिर से अपने गांव के बारे में बताने लगते हैं। रंगा का मैरिज तो दूसरी तरफ रह गया, वो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आर विलेज, फिर से अपने गांव के बारे में बताते हैं कि हमारे गांव में जो मैंगो ट्री है वो भी बहुत मैंगो वहाँ के बहुत फेमस है। कम विजिटर्स, वो फिर से कहते हैं आओ और हमारे गाँव में ये सब देखो, विजिट करो। एंड आई विल गिव यू अ रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं आपको एक ऐसा ही कच्चा मैंगो दूंगा अगर आप हमारे गांव में आओगे। तो यहाँ पे राइटर हमें फिर से बता दे कि उनका गांव कितना फेमस है, वहाँ के जो मैंगोज होते हैं मैंगो ट्री में वो भी वहाँ बहुत पॉपुलर है वहाँ के। तो क्या आप मेरे गांव में आओ तो मैं वहाँ का कच्चा आम दूंगा आपको। डू नॉट ईट इट, फिर कहते वो खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, एक बाइट ही लेना, पूरा खाना नहीं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे बता दे, देखो, द सॉर्नेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, मीन्स यहाँ तक। आई वंस टुक वन सच अ फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट, द कप वॉज सफर फ्रॉम आफ्टर दैट, एंड आई वॉज वेन आई वेंट फॉर द कप मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो यहाँ के बता दे हमें राइटर के, वो जो कच्चा आम था एक बार वो अपने घर पे ले गए और खाया, चटनी बनाई, खाया, सब लोगों ने खाया, तो राइटर को कफ हो गया था और उसकी मेडिसिन के लिए जब वो डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने वो मैंगो की क्वालिटी के बारे में बताया कि ये फ्रूट खाने से सबको ऐसा कफ हो जाता है, तो एक स्पेशल क्वालिटी है वहाँ के। तो फिर से राइटर अपने गाँव के बारे में ही बताने लग जाते हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आर विलेज, क्योंकि भाई जैसे मैंगो फेमस नहीं है, दूसरी भी कई चीज़ें हमारे गांव में बहुत फेमस है क्या, स्पेशल है। वी हैव क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, इज फ्लावर आर अ फ्रेश फिश टू बीहोल्ड, गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। दूसरी क्वालिटी अपने गाँव के बारे में स्पेशलिटी बता दें कि उनके गाँव में एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स में बड़े बड़े लीव्स लगते हैं, जो पत्ते लगते हैं, और हमें जैसे कि पता है कि साउथ इंडियन लोग
वो बनाना के जो पत्ते आते हैं उनके अंदर ही अपना डिनर और लंच करते हैं। तो यार राइटर बताते हैं भाई, ऐसे दो पत्ते अगर आप ले जाओगे वो क्रीपर के, तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा लिप्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टरनून मील के लिए, वो इनफ है। तो इतने बड़े लिप भी होते हैं, तो यहाँ ये भी हमें राइटर वो क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनके गांव की जो स्पेशलिटी है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आपको लगता होगा मैं कहीं और डाइवर्ट हो जाता हूँ, रैम्बलिंग हो जाता हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट वेन द सब्जेक्ट ऑफ आर विले कम्स अप, लेकिन ऐसा ही होता है जब कि मेरे गांव के बारे में कोई बात होती है तो मैं ऐसे ही डाइवर्ट हो जाता हूँ। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप बोलोगे मैं रैम्बलिंग हूँ, बट इनफ। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन, आई विल लेट यू नो वेयर होसल इज एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? लेकिन आप आना चाहो तो मुझे बताना क्या, मैं आपको मेरे गांव आने का रास्ता बताऊंगा, लाइन बताऊंगा, आप आ जाओगे और जब देखोगे तो आप भी मेरी बात के साथ एग्री। फिर आगे राइटर अपने गांव की बात आती है तो ऐसे ही डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ बताते हैं राइटर, देखो आगे हमें कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 ईयर्स अगो। आज तो हमारा गांव बहुत डेवलप है क्या, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो भी स्टोरी लिख रहे होगे उनके भी 10 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, तो क्या हमारा गांव ऐसा था कि हमारे गांव में ज़्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे इंसान बहुत कम थे क्या? देन आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। फिर क्या हुआ क्या, हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे उनका एक लौटा लौटा लड़का था, तो उन्होंने अपने जो सन था उसको डेयरिंग करके बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा, जबकि कोई अपने लड़के को ऐसे स्टडी के लिए नहीं भेजता था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश स्टडी के लिए भेजा। देर आर मैनी हु न्यू नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडे, इट इज़ डिफरेंट नाउ। अब अभी की बात तो डिफरेंट है क्या, अभी तो कई लोग इंग्लिश जानते हैं। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडे, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। अगर आप हमारे हॉलीडे में आओगे हमारे गाँव में, तो कई लोग इंग्लिश में बातचीत करते हुए मिलेंगे क्या, टॉकिंग इन इंग्लिश। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तब इन्होंने डेयरिंग करके अपने लड़के को स्टडी के लिए बेंगलोर भेजा था। दोज डे वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम इंग्लिश में बातचीत नहीं करते थे क्या? नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, हाँ हमारे कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो रेगुलर हम उसी में बातें करते थे क्या? और जैसे कि हम सॉरी थैंक्स ऐसी बातें ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज करते रेगुलर में, वो भी वो नहीं करते थे क्योंकि इंग्लिश किसी को पता ही नहीं चलता था। एक किस्सा ये बताते हैं, देखो वॉट हैज हैपन इज डिस्ग्रेसफुल बिलीव मी, तो क्या वो एक डिस्ग्रेसफुल भी था बिलीव मी, क्या किसी को नहीं आता था। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, ही आज द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू, 4 पेस, मतलब 4 पैसे हैं, 4 पेस, 4 पैसे हैं। सी सेड द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखो यहाँ एक किस्सा बताते हैं राइटर उन दिनों का, कि वो रामा राव जो उनके गांव के एक मुखिया थे, अच्छे नामचीन व्यक्ति थे, उनके घर उनका जो लड़का था वो थोड़ा पढ़ा हुआ था क्या, लेकिन वहाँ वो जो फायर लेके वुमन आती है फायरवुड लेके, तो पूछता है भाई लकड़ियों का क्या भाव है, तो वो वुमन ने बताया भाई 4 पैसे है। तो लड़के ने देखा भाई उनके पास चेंज नहीं थे, तो नेचुरली बोलता है कि भाई आई हैव डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल आना ऐसा बता दिया। लेकिन हुआ कि वो जो पुअर वुमन थी वो फायरवुड लेके आई थी, उनको तो चेंज का मीनिंग ही नहीं पता था, तो क्या हुआ देखो, द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, वो थोड़ी मरमरिंग करती मटरिंग करती बबड़ती बबड़ती वहाँ से निकल जाते। उनको ऐसा लगा कि लड़का शायद मुझे पैसा देना नहीं चाहता। आई टू डिड नॉट नो, उस वक्त क्या मुझे भी पता नहीं था चेंज का मीनिंग क्या है। लेटर आई वेंट टू रंगा साउज एंड आस्क हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, फिर जब मैं रंगा के घर गया तब मुझे पता चला कि एक्चुअली ये चेंज क्या होता है। तो क्या ऐसा टाइम था कि लोग नॉर्मली जो इंग्लिश वर्ड है वो भी उनके गांव में समझ नहीं पाते थे, तब
this priceless commodity. The English language was not so widespread in our village a decade ago. Okay, भाई ये priceless commodity थी उस वक्त, English language हमारे समाज में इस तरह decades ago ऐसे spread नहीं हुई थी, widespread नहीं हुई थी, लोग कन्नड़ में ही common talk करते थे. That was why Ranga's homecoming was a great event. अब writer main break पे आ जाते हैं, रंगे जो रंगा की story है उसके बारे में बताने लगते हैं कि भाई उसी लिए जब रंगा अपनी पढ़ाई खत्म करके उस वक्त बेंगलोर से वापस आया था तो एक गांव में बड़ा जश्न जैसा माहौल था. क्या एक ग्रेट इवेंट बन गया था? क्यों ग्रेट इवेंट बन गया था? पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम. मतलब लोग वहाँ चिल्लाते चल रहे थे कि भाई वो अकाउंट का सन हमारे गाँव में वापस आ गया. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज हियर. जो बेंगलोर गए थे वो स्टडी करके ख़त्म करके वापस आ गया. इट सी मैन कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. लोग उनको देखने के लिए भाग रहे थे, भाई चलो हम उनको देख के आते हैं. उनको तो ऐसा लग रहा था कि जो रंगा है वो इंग्लिश पढ़ के आया था तो पूरा इंग्लिश मैन बन गया होगा. उनका ड्रेसिंग चेंज हो गया होगा, बिहेवियर चेंज हो गया होगा, हेडबैंड लगा के आया होगा. तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये टोटली चेंज हो गया होगा, इसलिए लोग उनके घर देखने आए गए थे, पूरे क्राउड में आए थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट बना हो, कोई बड़ा इवेंट हो, उस तरह लोग उनके घर के पास गैदरिंग हो गए थे. अट्रैक्ट बाय द क्राउड आई टू वेंट स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम. तो राइटर भी वहाँ नज़दीक में ही रहते थे तो भी गए और लोगों को पूछने लगा कि इतना सारा क्राउड यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई मदारी का खेल नहीं चल रहा है क्या. अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. तो एक जो लड़का था क्या जिसका ब्रेन ही नहीं था, वो दिमाग खाली था जिसका, ऐसा एक लड़का मुझे उन्होंने सीधा रिप्लाई दिया कि हमें क्यों पूछते हो, आप क्यों आए, ये सोचो एम व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. और अगर कोई खेल नहीं चल रहा है मदारी का तो आप यहाँ क्यों खड़े हो गया, आप जिस वजह से यहाँ आए हो मैं उसी वजह से हम आए हैं. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. मतलब कभी सारी चीज़ें अभी तो पास्ट हो गई है, वो मुझे लगा कि इमेच्योर है तो कि मैं उत्तर भी कह दे पाता, मैं भी वहाँ गया हुआ था. तो राइटर वहाँ पे शांत हो जाता है, कुछ रिप्लाई नहीं दे पाते. सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता. जैसे कि हमें पता है ब्लैक होल ऑफ कोलकाता जो कि हॉजपॉज के लिए जाना जाता है, बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पे रेसिडेंट करती है, पूरा कीचो कीच एरिया है. तो क्या हमारा जो ये रंगा का कोर्टयार्ड था जो थोड़ा उनका एरिया था वो ब्लैक होल ऑफ कोलकाता जैसा हो गया था, लोग इतने तादाद में वहाँ उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हुए थे. थैंक गॉड इट डिड नॉट, अच्छा हुआ कि नहीं था. एम एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन सिक्स मंथ अगो. और जब रंगा आया स्माइल के तो लोगों ने देखा कि भाई जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिक्स मंथ पहले जैसा था वैसा ही दिख रहा है, नथिंग हैज चेंज. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, पर जब से विलेज छोड़ के गया था और जैसा था ऐसा ही है ये. एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट लुक इन टू हिज आइज एंड सेड द जानेवर इज स्टिल देयर. तो एक लेडी ने तो क्या किया कि उनके निकट गई और उनको देखने लगा, वो जानेवर जो जनोई पहनते हैं वो जनोई देखने लगे कि भाई उन्होंने जनोई तो चेंज नहीं कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई अभी इंग्लिश मैन हो गया तो ये जनोई बने निकाल दी होगी, लेकिन जनोई वहीं पे थी. ही हैजन लॉस्ट हिज कास्ट, उन्हें ऐसा बनो लगा कि भाई कास्ट भी उन्होंने स्पॉइल तो नहीं कर दिया, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था, जनोई वहीं पे थी. सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और देख के वो वापस आ गए भाई इन्होंने अपनी कास्ट नहीं चेंज की. रंगा लाभ, तो ये सब देख के रंगा हंसने लगा, उन्हें भी मजा आने लगा कि भाई ये लोग मुझे इंग्लिश मैन समझ रहे हैं, मैं तो वैसे ही हूँ, नथिंग हैज चेंज. तो ऐसा एकदम सिंपल गांव था और राइटर जैसे कि बताते हैं भाई उनके गांव की जो स्पेशलिटी थी तो ये भी एक स्पेशलिटी है कि लोग बहुत सिंपल थे, ऑनेस्ट थे, और ऐसा जब कोई बाहर से आता था तो लोग उन्हें देखने के लिए भी आते थे. तो आगे राइटर यहाँ पे बताते हैं
कि वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड लेग साइज एंड नोज द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ जंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। और जब लोगों को अच्छी तरह से पता चला कि भाई ये तो चेंज नहीं हुआ, यकीन आ गया, तो राइटर आसर जो क्राउड था वो वहाँ से मेल्टेड अवे मीन्स चले गए, जैसे कि शुगर का कोई क्यूब हो और आपके आप अपने माउथ में डालोगे तो क्या होगा कि पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसी तरह लोग वहाँ से थोड़े डिसअपॉइंट भी हुए, चले गए सब, लेकिन डिसअपॉइंट भी हुए कि भाई ये क्यों चेंज नहीं हुआ, चेंज होना चाहिए था लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन ये तो रंगा था। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं तो वहीं खड़ा रहा गया। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क हाउ आर यू रंगप्पा, और सब चले गए तो मैंने पूछा भाई रंगप्पा आप कैसा है, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, सब अच्छा है तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और उसी वक्त रंगा ने मुझे नोटिस किया क्या, ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और मेरे पास आके रिस्पेक्टफुली मुझे उन्होंने नमस्कार भी किया रंगा ने, एंड सेइंग आई एम ऑल राइट, और आंसर भी दिया कि आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग से मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ। तो इस तरह देखो ये रंगा की फर्स्ट विजिट कैसे हुई, उसका कैसे वेलकम हुआ, ये हमें फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। और जो दूसरा हमारा वीडियो आएगा दूसरा पार्ट, उसमें रंगा के मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई वो किस तरह मैरिज करने के लिए पहले एग्री नहीं था, फिर कैसे एग्री हुआ, और राइटर ने किस तरह के प्लान किए, वो हम हमारे जो दूसरा सेशन है उसमें देखते हैं। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।